नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, बोले कार पलटी नहीं है, सरकार पलटने से बच गई। 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे शुक्रवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने बताया कि विकास को उज्जैन से सड़क के रास्ते कानपुर ले जा रही यूपी एसटीएफ की काफिलों की गाड़ी आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। विकास दुबे के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस और यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगाया। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है। आपको बता दें कि विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। सूचना पर कानपुर से पुलिस व एसटीएफ टीम विकास को सड़क मार्ग से शुक्रवार सुबह कानपुर ला रही थी। कानपुर पहुंचते ही भौती हाईवे के पास पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। हादसे में वाहन सवार अभियुक्त और पुलिसकर्मी घायल हो गए। विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा किया और उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर गोलियां चलाने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में गोली लगने से विकास दुबे घायल हो गया। आनन फानन इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। विकास दुबे पहले से ही था गैंगस्टर। आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों हाथों में पिस्टल लेकर किस तरह डांस करते नजर आ रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सफेद पेशों अफसरों और गद्दार पुलिसकर्मियों को बचाने का क्रम है जो अपराध को जन्म देते हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर बहुत कुछ कहता है। अगर आप शुरुआत से घटनाक्रम उठाकर देखें कि डिप्टी एसपी के पत्र को छिपाया गया, छिपाने की पूरी कोशिश हुई, उसके बाद कैसे सबूतों को ढाया गया, जो क्राइम सीन था विकास दुबे घर, उसको किस तरीके से जमींदोज किया गया, उसके बाद विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद जिस तरह से इनकाउंटर होता है, उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में जो एक कलंकित गठजोड़ चल रहा है अपराधियों, नेताओं, अफसरसाहों के बीच में, उसको बचाने के लिए किस हद तक जाना चाह रही। जो विकास दुबे पैदल 10 मीटर चल नहीं सकता था, जिस विकास दुबे के पैरों में राड पड़ी थी, आखिर गाड़ी पलटने के बाद वो क्यों किसी की पिस्टल छीनकर भागना चाहता था। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से चिट्ठी को छिपाकर, सबूतों को नष्ट करके और जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं उनको खुश रखने के लिए इस तरीके का एनकाउंटर करा रही है। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को कायम रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने इस तरीके का इनकाउंटर कराया है। उत्तर प्रदेश में जो कलंकित गठजोड़ चल रहा है, वाकई में यदि विकास दुबे जिंदा रहता तो बहुत लोगों की कलाई खुलती, बहुत लोगों का सच सामने आता, लेकिन अपराधी का तो अंत हो गया। अपराध को संरक्षण देने वाले और उसको सह देने वालों का क्या होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आईवीएन भारत के साथ। नमस्कार।